So hello guys, once again welcome back in this video tutorial series of MS Word. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद आवर मेलिंग टैब और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हमारा फर्स्ट ग्रुप जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मिस कर दिया था वो है क्रिएट ग्रुप। तो क्रिएट ग्रुप का मेन फंक्शन क्या है इसको सीखने के लिए हम लोग पहले MS Word को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप लोग को जाके खोलना होगा मेलिंग टैब। तो यहाँ पे क्रिएट ग्रुप में आप लोग को दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है एनवेलप और एक आप लोग के लिए लेबल। तो बेसिकली एट प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है, जो भी आप लोग एनवेलप यूज करते हो वो एनवेलप में भी जो कंपनी का नाम वो सब ऑटोमेटिकली लिखा या रहता है या प्रिंटेड रहता है। तो अगर आप लोग वो एनवेलप जनरेट करना चाहते हो तो आप लोग को कैसे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग कोई भी इंडिविजुअल पर्पज के लिए एनवेलप बनाना चाहते हो, कोई भी एक एनवेलप बनाना चाहते हो, तो इन दैट केस आप लोगों को ये जो क्रिएट में एनवेलप का ऑप्शन इसमें जाना है। इसमें जाके जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों को एनवेलप का विंडो दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग एक लेबल का भी टैब दिख रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन है लेबल, सिमिलरली अगर आप इसको ओपन करोगे तभी भी आप लोगों को ये सेम विंडो ही दिखेगा जिसका नाम है एनवेलप्स एंड लेबल्स। अगर आप लोग लेबल में क्लिक करोगे ये आप लोग के लिए लेबल और ये आप लोग के लिए एनवेलप। तो फर्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है वो है डिलीवरी एड्रेस, मतलब आप लोग कहाँ पे जिसको मतलब ये एनवेलप भेजने वाले हो उसका एड्रेस क्या है आप लोग को पहले वो देना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया टू, किसको देना है, सपोज मैंने दे दिया टेक बूस्टर को, इसका एड्रेस कहाँ पे, जू रोड गुवाहाटी असम 781024। तो ये हो गया मेरे लिए डिलीवरी एड्रेस। सिमिलरली अगर आप लोग को रिटर्न एड्रेस देना है तो आप लोग को यहाँ पे आना है। रिटर्न एड्रेस का मतलब बेसिकली क्या है, कौन ये एनवेलप भेज रहा है, और इन शॉर्ट अगर आप लोग का ये एनवेलप रिसीव नहीं हुआ तो कौन से एड्रेस में वापस आना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम, मतलब ये कहाँ से जा रहा है या कौन दे रहा है। फ्रॉम ये सपोज कौन दे रहा है, सूर्यकांत घोष। सपोज ये जो एनवेलप है ये सूर्यकांत घोष भेज रहा है, तो मैंने इसको दे दिया सूर्यकांत घोष। इसका एड्रेस मैं दूंगा अभी ढालीगांव, फिर मैंने दे दिया बोंगाईगांव एंड देन आसाम। तो ये हो गया मेरे लिए एनवेलप जहाँ पे मेरे लिए है एक डिलीवरी एड्रेस और एक है मेरे लिए रिटर्न एड्रेस। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू, ये आप लोग के लिए प्रीव्यू। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जो फर्स्ट है आप लोग के लिए एनवेलप साइज, जो भी आप लोग एनवेलप में प्रिंट करना चाहते हो उसका साइज जो कि डिफॉल्ट यही दिखेगा आप लोगों को। अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हो तो आप लोग ड्रॉप डाउन में जाके चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करने का कोई ऑप्शन जरूरत नहीं है। तो ये जो डिफॉल्ट एक एनवेलप का साइज होता है। देन अगर आप लोग फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, जो आप लोग का फॉन्ट है यहाँ पे डिलीवरी फॉन्ट, रिटर्न फॉन्ट, तो आप लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। नीचे आप लोग को प्रीव्यू दिख रहा होगा, प्रीव्यू में जो आप लोग को एक बड़ा सा जो लाइन दिख रहा है बीच में ये हम लोग के लिए है डिलीवरी एड्रेस, और ऊपर जो आप लोग छोटा सा लाइन दिख रहा है ये हम लोग के लिए रिटर्न एड्रेस। इसका जो पोजीशन अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हो तो आप लोग इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि डिफॉल्ट ऑटो में रहता है। अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हो तो इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको मैं कर दिया ओके। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है ऑप्शंस, अगर आप लोग इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम ऑप्शन दिखेगा। तो इसको मैंने कर दिया कैंसिल। देन आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हो या आप लोग इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे प्रिंट करोगे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, अगर आप लोग इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट करोगे जो आप लोग का डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ऐड टू डॉक्यूमेंट, फिर आप लोगों को करना है यस। तो जैसे आप लोग यहाँ पे यस करोगे आप लोग देख सकते हो ये हो गया आप लोगों के लिए एनवेलप, ये हो गया रिटर्न एड्रेस और ये हो गया आप लोगों के लिए डिलीवरी एड्रेस। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल है और बेसिकली ये हम लोग कब यूज करते हैं, अगर आप लोगों को कोई इंडिविजुअल को कोई एनवेलप भेजना है, अगर आप लोगों को बहुत सारे लोगों को एक साथ एनवेलप बनाना है बहुत सारे लोगों का, इन दैट केस आप लोग को फिर से स्टार्ट मेल मर्ज में जाके एनवेलप में जाना होगा, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। देन हम लोग देखेंगे लेबल्स, लेबल का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो फॉर दैट मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि इसका काम आने वाला है। देन मैं अभी इसको अनडू कर दिया। अभी जब आप लोग लेबल में क्लिक करोगे तो लेबल वाला जो टैब है वो आ जाएगा,
और यहाँ पे आप लोगों को देना है एक एड्रेस। बेसिकली लेवल का मतलब क्या है, अगर आप लोग सपोज कोई भी आप लोग का कंपनी है जहाँ से आप लोग पार्सल भेजते हो और एक ही जगह में बहुत सारा पार्सल जाने वाला है, तो आप लोग को एक ही एड्रेस का बहुत सारा लेवल प्रिंट करना होगा। तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया एंड देन आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लेवल, और यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है प्रोडक्ट नंबर, मतलब एक ही पेज में आप लोग कितना लेवल प्रिंट करना चाहते हो। एक ऑप्शन है आप लोग के लिए 1/4, मतलब एक पेज में 4 लेवल आएगा। अगर इसको आप लोग ओके करोगे, नेक्स्ट अगर आप लोग इसको न्यू डॉक्यूमेंट करोगे तो आप लोग देख सकते हो एक ही पेज में कितना डॉक्यूमेंट आ रहा है, 1, 2, 3, 4 लेवल आप लोग के पास आ चुका है। सिमिलरली अगर आप लोगों को 4 नहीं ज़्यादा करना है तो आप लोग को फिर से लेवल में जाना है। इसको मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, देन मैं जाऊँगा मेलिंग में लेवल्स में, फिर से आप लोग को यहाँ पे देना है एड्रेस और आप लोग को जाना है लेवल में, और यहाँ पे आप लोग के पास एक ऑप्शन है 30 पर पेज, मतलब क्या है एक पेज में 30 लेवल्स आ जाएगा। जैसे आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट करोगे आप लोग देख सकते हो एक ही पेज में 30 डॉक्यूमेंट आ चुका है। अभी क्या करना है आप लोगों को, इसको डायरेक्टली करना है प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप लोग को ये डायरेक्टली कट करके जो आप लोग का पर्सल है या जो भी आप लोगों का एनवेलप हो जहाँ पे भी आप लोग इसको चिपकाना चाहते हो आप लोग डायरेक्टली उसको यहाँ पे चिपका सकते हो। तो ये है हम लोगों के लिए लेबल, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अभी ये लेबल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं फिर से एक न्यू डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, और अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर आप लोगों को बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ एनवेलप बनाना है तो आप लोग कैसे बना पाओगे। तो फॉर देट आप लोगों को पहले जाना है स्टार्ट मेल मर्ज में, और आप लोगों को जाना है एनवेलप्स में। पहले हम लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों के लिए लेटर बनाया था, अभी उन्हीं लोगों को जो लेटर है उसको भेजने के लिए मुझे चाहिए होगा एनवेलप, तो मैं अभी सबके लिए एनवेलप बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एनवेलप में क्लिक। तो जैसे आप लोग यहाँ पे एनवेलप में क्लिक करोगे आप लोगों के पास दो ऑप्शन आएगा, आप लोग का एनवेलप का साइज क्या है, साइज मुझे सेमी रखना है, और यहाँ पे आप लोग को प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला जो है ये आप लोग के लिए डिलीवरी एड्रेस और ये आप लोग के लिए रिटर्न एड्रेस, तो इसको करना है ओके। तो जैसे आप लोग ओके करोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रॉम, जो आप लोगों ने फ्रॉम बनाया था पहले। बेसिकली क्या होता है, जो भेज रहा है भेजने वाला तो एक ही है, जो रिसिपेंट है वो सबके लिए अलग अलग होगा, जो आप लोग का डिलीवरी एड्रेस है वो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो रिटर्न एड्रेस है सबके लिए एक ही होगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न एड्रेस आप लोगों ने पहले बनाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अगर आप लोग इसको दोबारा चेंज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर चेंज नहीं करना है अभी हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे टुवर्ड्स अवर डिलीवरी एड्रेस। और डिलीवरी एड्रेस का पोजीशन कौन सा था यहाँ पे, तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग को बॉक्स मिल जाएगा, और बॉक्स में आप लोग को बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जाके आप लोग को पहले करना है सिलेक्ट रिसिपेंट। सिलेक्ट रिसिपेंट में जाके यहाँ पे आप लोग अगर नया लिस्ट बनाना चाहते हो तो सिमिलरली आप लोग एक नया लिस्ट बना सकते हो, या जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है हम लोग के पास हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए एग्जिस्टिंग लिस्ट जिसका नाम था न्यू चार्ट, तो मेरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आप लोग को अभी लिखना है टू। लिखने के बाद नीचे मुझे क्या करना है, मेरा जो फील्ड था मुझे वो यूज करना होगा। मैंने यहाँ पे कर दिया टाइटल, देन स्पेस, देन मैंने दे दिया नेम, देन एंटर। एंटर देके मुझे यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 देना है, देन मुझे एंटर देके मुझे देना है सिटी, कॉमा देके मुझे एक स्पेस देना है, स्पेस देके मुझे देना है स्टेट, देन मुझे यहाँ पे एक डैश देके देना है जिप कोड, और जो मेरा एनवेलप है ये बनके हो जाएगा तैयार। अभी आप लोगों को क्या करना है, प्रीव्यू आप लोग अगर देखना चाहते हो तो आप लोग प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये है आप लोगों के लिए प्रीव्यू। फर्स्ट जो मेरा एनवेलप है वो किसके लिए बन रहा है, पुलक मंडल के लिए बन रहा है। सेकेंड बन रहा है लिपिका शाह के लिए, अरूप शाह, सुकांत सरकार। तो ये हो गया मेरे लिए एनवेलप। फाइनली आप लोगों को जाके क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज यहाँ पे जाना है। आप लोगों को अगर प्रिंट करना है तो आप लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, या आप लोग एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जा सकते हो। और जैसे आप लोग यहाँ पे ओके में क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का एनवेलप है हर एक के लिए एनवेलप कैसे दिखेगा यहाँ पे आ चुका है, और आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी दबा के इसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों के लिए एनवेलप, जो आप लोग मल्टीपल रिसिपिएंट के लिए एक साथ बना सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे मेलिंग टैब का और एक इंटरेस्टिंग फंक्शन दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास कोई एक एक्सेल शीट है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स या कुछ डेटा है, आप लोग देख सकते हो ये एक्सेल शीट जो मैं पहले से बना के रखा हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एक फील्ड बना के रखा अपने लिए, जैसे कि नेम,
एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ये सब मेरे लिए कुछ फील्ड्स है जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मेलिंग टैब है इसमें मैं इसको इम्पोर्ट करूँ। तो एक एक्सेल शीट से वर्ड में कैसे डेटा को इम्पोर्ट करना है फॉर योर मेलिंग पर्पस, ये अब लोग अभी देख लेंगे। फॉर दिस मैं जो मेरा फाइल है मैंने इसको बाय द नेम मेल अंडरस्कोर डेटा मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है। और कहाँ पे सेव किया, मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव करके रखा हुआ है। तो अभी इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जाना होगा सिलेक्ट रिसिपेंट में, और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये आप लोगों ने पहले से बना के रखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे आप लोगों के पास ये विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों ने जो आप लोगों का पहला एंट्री था जो आप लोगों ने बनाया हुआ था न्यू चार्ट, उसको आप लोगों ने इस लोकेशन में सेव किया था। लेकिन अभी जो मेरा एक्सेल शीट है वो इस लोकेशन में नहीं है, वो कहाँ पे है मेरे लिए, वो है मेरा डेस्कटॉप में। तो मुझे जाना होगा डेस्कटॉप में, एंड देन मुझे जाना होगा मेरे फाइल में जिसका नाम है मेल डेटा। तो मैंने इसको कर दिया ओपन, तो ये कुछ टाइम ले सकता है। तो अभी ये क्या पूछ रहा है कौन सा शीट में है, जैसे कि अगर आप लोग एक्सेल को ओपन करोगे, एक्सेल में काफ़ी सारा शीट्स रहता है, नीचे आप लोग देख सकते हो ये हो गया मेरे लिए शीट वन, अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो ये मेरा शीट टू बन जाएगा। तो बेसिकली मेरा जो डाटा वो कहाँ पे, शीट वन में है, तो यही दिखा रहा है यहाँ पे। मुझे इसको करना होगा ओके, तो ये फिर से कुछ टाइम ले रहा है, लेकिन अभी ये जो आप लोग का फील्ड है वो आ चुका है यहाँ पे। तो मुझे अभी इसको लाने के लिए मैं फिर से सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ टू, नीचे आप लोग को अभी जाके कहाँ से सिलेक्ट करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का फील्ड था नेम एड्रेस सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी फील्ड आप लोगों को चाहिए आप लोग उसको ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे नेम चाहिए, मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए एड्रेस, देन कॉमा के साथ मुझे चाहिए सिटी, देन मुझे चाहिए डिस्ट्रिक्ट, एंटर करके मैंने कर दिया डिस्ट्रिक्ट, कॉमा स्टेट, देन मुझे कर दिया एक डैश, एंड फाइनली पिन। तो जैसे कि आप लोगों का ये एड्रेस ब्लॉक बन के तैयार है। अगर आप लोग इसका प्रीव्यू करना चाहते हो तो आप लोग जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो मेरा फर्स्ट एंट्री क्या आ रहा है, मृणाल बोरा। अगर मैं मेरा एक्सेल शीट को ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरा पहला एंट्री कौन सा है, मृणाल बोरा बेलतोला गुवाहाटी कामरूप आसाम। ये क्या आ रहा है, मृणाल बोरा बेलतोला गुवाहाटी कामरूप आसाम। सिमिलर अगर आप लोग नेक्स्ट प्रीव्यू करोगे तो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, राहुल सिंह। नेक्स्ट आप लोग के लिए आ रहा है अरूप शाह, एंड नेक्स्ट आ रहा है राजदीप। अगर आप लोग एक्सेल में देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम दिखेगा, राहुल सिंह अरूप शाह एंड राजदीप। तो गाइस दिस इज द प्रोसेस कैसे आप लोग एक्सेल से एक डेटा को या एक शीट को आप लोग मेल मर्ज के लिए इम्पोर्ट कर सकते हो। तो गाइस यही था लास्ट ऑप्शन जो मेलिंग मर्ज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे जितना भी टैब्स है मैं हर एक टैब को कवर करने का कोशिश किया हुआ है, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग को ये इन डिटेल्स प्रैक्टिस भी करना है, एंड देन प्रैक्टिस के बाद आप लोग को मूव करना है टुवर्ड्स योर नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं सिखाऊंगा रिव्यू टैब। तो गाइस विद दिस मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे वाइंड करता हूँ। सो टेक केयर एंड गुड बाय।